नमस्कार, मैं हूं आदित्य यादव और आप देख रहे हैं एएनजी न्यूज़ डॉट इन। सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एएनजी न्यूज़ की दस्तक में। एएनजी न्यूज़ की दस्तक में आज हम आपको मुखातिब करा रहे हैं एक ऐसे राजनीतिज्ञ से जिनके काम की वजह से उनकी तारीफ उनके विरोधी भी करने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरे साथ आपके सामने हैं जाने माने राजनीतिज्ञ, आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी। मनीष जी पूर्व में पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में आपने एक अलग उदाहरण पेश किया है जो कि पूरे देश और विदेशों को एक आईना दिखा रहा है। आपकी पहचान एक मजे हुए धीर गंभीर राजनेता की बनी हुई है। आपकी खासियत यह भी है कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी बात मुस्कुराते हुए कह देते हैं। मनीष जी, आपका एएनजी न्यूज की दस्तक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरा सभी दर्शकों से एक अनुरोध है कि आप सभी को हमारा यह खास कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमें लाइक करें, अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सभी दर्शक अपने सवाल कमेंट भी कर सकते हैं जिसका सीधा जवाब मनीष सिसोदिया जी आप सभी को देंगे। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल लेते हैं शिक्षा व्यवस्था से। मनीष जी, संपूर्ण देश में समान शिक्षा के अधिकार की बात आजादी के समय से ही की जाती रही है, किंतु आपने दिल्ली में इस क्षेत्र में काफी उपलब्धि भरे कदम उठाए हैं, कैसे संभव कर पाए? देखिए, आजादी के समय से ही और जब से भी बात हुई, राष्ट्र का निर्माण तो शिक्षा से होगा जी। और राष्ट्र के निर्माण के लिए आपको सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, तभी राष्ट्र का निर्माण होगा। ऐसा नहीं है कि हम एजुकेशन पे पहली बार बात कर रहे हैं। एजुकेशन पे हमसे पहले भी बहुत लोगों ने काम किया है। नेहरू जी ने बहुत काम किया जी, नेहरू जी से लेकर और तमाम लोगों ने आगे बढ़ाई चीजें। राजीव गांधी जी ने आईटी और इनको एजुकेशन में, कंप्यूटर एजुकेशन पे आईटी आज अगर हम कर पा रहे हैं तो राजीव गांधी जी ने शुरुआत की। लेकिन और फिर देखें तो मुरली मनोहर जोशी जी के समय पे सर्व शिक्षा अभियान पे बहुत ज़बरदस्त काम हुआ। लेकिन ये सब कार्यक्रमों की प्रॉब्लम ये रही कि ये 5% लोगों को अच्छी एजुकेशन देना और बाकी के 95% बच्चों को काम चलाओ एजुकेशन देने पर हो गए। तो अब आप जब कंप्यूटर इंजीनियर की बात करते हैं तो देश के स्कूलों में, देश के कॉलेजों में से कुछ स्कूल कॉलेजों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो हाई एंड कंप्यूटर डिजाइनर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, और 95% बच्चे ऐसे रहेंगे जिनको ठीक से गूगल करना भी नहीं आता है। उसमें से भी आप देखें 55% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर क्या होता है, गूगल क्या होता है, उन्होंने कभी कंप्यूटर का कीबोर्ड नहीं छुआ हुआ। तो वैसे देश में, वैसे में आप देश कैसे खड़ा करोगे? तो हमने ये सुनिश्चित किया कि कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड तय करके दिल्ली के हर बच्चे को मिल जाए। हम सपने बहुत बड़े बड़े देखते हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, जब काम चलाने की बारी आती है तो हम कुछ बच्चों को बड़ी बड़ी चीजें दे देते हैं, बाकी को सब झुंझुना बना देते हैं। हम कह रहे हैं झुंझुने का साइज तय कर दीजिए, आप सारे बच्चों को बहुत अच्छा दीजिए, लेकिन मतलब कुछ बच्चों को बहुत अच्छा दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम बच्चों, मतलब सब बच्चों को कुछ मिनिमम तो तय करिए। तो वो मिनिमम हम तय कर रहे हैं। अभिजात वर्ग और जन सामान्य की शिक्षा में भारी असमानता है, शिक्षा का यह भेदभाव क्या संविधान प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? नहीं, बिल्कुल समानता के अधिकार का भी उल्लंघन है, ह्यूमैनिटी का भी उल्लंघन है। थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में जो चीजें लिखी गई हैं, तो हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देने से ही वो संभव हो सकता है, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। दिल्ली में एजुकेशन डिजिटलाइजेशन की आज सर्वत्र चर्चा है, यह सारे देश में फैले, इसके लिए आपकी कोई कार्य योजना है क्या? देखिए, देश में पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली राजनीति की गुलाम है जी। जिस पार्टी की सरकार होती है वो शिक्षा को कैसे चलाएगी इस पर निर्भर करता है। तो दिल्ली में ईमानदार राजनीति है जो शिक्षा को आगे लेके चल रही है। दिल्ली एकमात्र सरकार है जो 25% बजट एजुकेशन पर खर्च कर रही है। आज देश में सारे राज्यों में सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, हमारे यहाँ सरकारी स्कूल बहुत शानदार चल रहे हैं और नए खोले जा रहे हैं। आज देश में सारे स्कूलों में जो है प्राइवेट स्कूलों की फीस लगातार बढ़ाई जा रही है, हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों की फीस एकदम कंट्रोल है, बल्कि चार चार पाँच पाँच साल पहले जिन स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ा दी थी उनसे वापस दिलवाई जा रही है। तो ये काम दिल्ली में इसलिए हो पाया क्योंकि दिल्ली में ईमानदार राजनीतिक सरकार है। ये काम हर उस राज्य में हो सकता है जहाँ ईमानदार राजनीतिक सरकार लोग चुनेंगे। तो मैं सारे देश के लोगों से कहूँगा कि अगर अपने प्रदेश में अच्छी एजुकेशन चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, प्राइवेट स्कूलों की फीस पे रोक चाहिए, सरकारी स्कूल अच्छे चाहिए, तो अच्छी राजनीति चुनिए, लोगों को योजना बनानी है इसके लिए। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब थी, सभी को पता है,
तो इतना एक पहाड़ रूपी एक कार्य था, उसको आप इतना कैसे कर पाए? वही टीचर्स हैं, टीचर्स को सम्मान देना, बजट लगाना, ट्रेनिंग करवाना, खूब सारी ट्रेनिंग कराई है, बच्चों पे भरोसे के लिए व्यवस्थाएं करना, टीचर्स की फैसिलिटी करवाना, स्कूलों में अच्छी बिल्डिंग्स बनवाना, ये सब काम हुए हैं और कोई भी कर सकता है। इंटेंशन चाहिए, नीयत चाहिए। नीयत अगर आपकी पैसे कमाने की है मिड डे मील बेच के, मिड डे मील के ठेके देके, तो फिर आप कर नहीं सकते। नीयत आपकी बच्चों को अच्छा खाना खिलाने की है, तो जब आप 100 रुपये का टेंडर जारी कर रहे होते हैं लोग 110 रुपये का खाना खिलाते हैं। जब नीयत आपकी खराब है तो 100 रुपये का टेंडर आप जारी करते हैं लोग 50 रुपये का भी खाना नहीं खिलाते। आपने जब शुरुआत की तो उस समय क्या दिक्कतें आई और अब किस तरीके का दिल्ली के स्कूलों में माहौल है? देखो, शुरू में लोगों को भरोसा नहीं था कि ये सरकार आई है एजुकेशन पे इतना सीरियसली काम करने की बात कर रही है, कर भी पाएगी। पर जब बजट बढ़ाया तो लोगों को लगा सीरियस है। उसके बाद जब टीचर्स के साथ डायलॉग करके, प्रिंसिपल के साथ डायलॉग करके कुछ बुनियादी परिवर्तन स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में किए, तब फिर लगा कि हाँ कुछ आगे बढ़ रही हैं चीज़ें। फिर रिजल्ट अच्छा आने लगा, प्राइवेट स्कूलों से छोड़ छोड़ के बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में आने लगे तो और अच्छा लगा। तो ओवरऑल हम ये कहते हैं कि मतलब एक माइंडसेट था कि एजुकेशन को आगे खड़ा करना है। लोगों को लगता था पुल बनाओ, लोगों को लगता था सड़कें बनाओ, हम कहते हैं स्कूल बनाओ, प्राइवेट स्कूलों की फीस को कंट्रोल करो और गवर्नमेंट स्कूलों को अच्छा करो, इनसे बच्चे पढ़ लिख के बनेंगे तो पुल भी बन जाएंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल की भी व्यवस्थाएं आपके द्वारा कराई गई हैं, किस किस तरह की व्यवस्थाएं आपके द्वारा कराई गई हैं? देखिए, हर तरह की जो भी फैसिलिटीज हो सकती हैं, सारे स्कूलों में दुनिया की सारी फैसिलिटीज तो आगे होती नहीं है जी। लेकिन जिस स्कूल में जगह है, जिस स्कूल में जहाँ व्यवस्थाएं हैं उनके हिसाब से हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज, जहाँ जिम हो सकता है वहाँ जिम लगाते हैं, जहाँ स्पोर्ट्स के लिए टेनिस अकेडमी खुल सकती है वहाँ टेनिस अकेडमी खुलाते हैं, जहाँ क्रिकेट अकेडमी खुल रही है वहाँ क्रिकेट की व्यवस्था करते हैं, जहाँ स्विमिंग पूल बन सकते हैं वहाँ स्विमिंग पूल बना रहे हैं, लाइब्रेरीज बना रहे हैं, हर तरह लोअर लेवल, मिडिल लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज पहली बार हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा अपने बच्चों को इंग्लिश कम्युनिकेशन सिखाना, टीचर्स को दुनिया भर के अच्छे सिस्टम से ट्रेनिंग दिलवाना, ये सारे कुछ ऐसे इंटरवेंशन रहे हैं। हमने, अगर मैं कहूँ कि पेरेंट्स को मजबूती दी है पीटीएम के द्वारा, प्रिंसिपल को मजबूती दी है प्रिंसिपल्स को पावर देके, टीचर्स को मजबूती दी है उनको दुनिया भर की ट्रेनिंग दिला के, तो इससे वहाँ स्कूल सिस्टम मजबूत हुआ है। स्कूल सिस्टम आपके यहाँ मजबूत हुआ और उसके बाद अन्य प्रदेशों से भी आपके इस रोल मॉडल को देखा गया और कईयों ने अपनाया भी है क्या? देखिए, अपनाने के लिए सबसे पहले ईमानदार राजनीति चाहिए जी। अगर स्कूल के कमरे बनवाते वक्त कोई मिनिस्टर या मिनिस्टर के लोग एजुकेशन डायरेक्टर को कहेंगे कि ये तो ठीक है, ये 500 करोड़ के स्कूल बनवाने, इसमें से 100 करोड़ हमको चाहिए पार्टी में दे देना या रिश्वत दे देना, तो डायरेक्टर भी सोचेगा कि यार जब 100 करोड़ मंत्री जी खा जा रहे हैं तो 100 करोड़ पे मेरा भी हक बनता है। फिर नीचे के अफसर भी सोचेंगे 10-10 करोड़ पे, 20-20 करोड़ पे, तो कुल मिला के 500 करोड़ में से 100 करोड़ रुपये खर्च होगा। दिल्ली का मॉडल ये है कि दिल्ली में 500 करोड़ रुपये अगर लग रहा है तो 600 करोड़ का काम हो जाना चाहिए। 500 करोड़ तो खर्च हो ही हो, इंजीनियर को भी कह दिया जाता है कि भाई बहुत कमा लिया, यहाँ मत कमाना, और ये तो स्कूल बन रहा है। और ठेकेदारों को भी कहा जाता है सारी दुनिया में कमाते हो, स्कूल बनाना तो ऐसे जैसे मंदिर बना रहे हो, तो फिर वो ईमानदारी से काम करते हैं। शुरुआत में जो ढर्रा था सिस्टम का, आपके आने के बाद में उसमें आपको या आपके कर्मचारियों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था क्या? नहीं, मैंने कहा माइंडसेट है, माइंडसेट को तोड़ने में थोड़ा समय लगा, पर अभी सभी चार्ज्ड अप हैं, पूरा का पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट, सभी टीचर्स, सभी प्रिंसिपल्स बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत से काम कर रहे हैं और उनकी मेहनत का नतीजा भी सामने आ रहा है। आज दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की चर्चा सारी दुनिया में हो रही है। विदेशों से कुछ लोग आपके इस सिस्टम को देखने आए, कहाँ कहाँ से लोग आए? ये तो बताना मुश्किल है, बहुत सारे देशों से आ रहे हैं, रूस से आए हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, फिनलैंड के भी लोग आए जी जी, लंदन से भी लोग आ रहे हैं हाँ। तो कई देशों से आ रहे हैं, अफगानिस्तान के आए हैं, मलेशिया के आए हैं, श्रीलंका के लोग आए हैं, बांग्लादेश के लोग आए हैं, तो काफी देशों से लोग आ रहे हैं। आपने एक फिनलैंड की यात्रा की और मीडिया ने उसको कुछ अलग तरीके से दिखाया, तो किस तरीके से देखते हैं आप उसको? बताया गया कि आप आइसक्रीम खाने गए थे। मुझे उन पत्रकारों की छोटी सोच पे थोड़ा सा दुख होता है जी। बड़े चैनल्स में काम करते हैं जी, थोड़ी समझ रखनी चाहिए कि आप क्या रिपोर्ट कर रहे हो जी। पर वो अपना पॉलिटिकल मोटिव से जिन पार्टियों को पसंद करते हैं उनके मोटिव से वो हमारे काम को क्रिटिसाइज करते रहते हैं बेचारे। अब
मैं तो उनको कई बार कहता हूँ कि क्यों पत्रकारिता कर रहे हो, किसी ने रोका थोड़ा ही है, जाके पार्टी ज्वाइन कर लो जी। तो बेचारे क्या करें, वो मजबूर हैं, उनको वो मतलब टीचर्स वो चैनल की से सैलरी लेते हैं लेकिन काम दूसरी पार्टी का करते हैं, पर उनकी उन्होंने अपने लिए तय किया हुआ है, क्या कर सकते हैं, उनकी अपनी सोच है। अच्छा वैसे फिनलैंड की अगर हम बात करें तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छा है, तो क्या जो आपकी जो विजिट रही वो इस एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए रही थी, क्या था? एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड का बहुत शानदार माना जाता रहा है जी। ये देखने गए थे कि वो अपने देश में क्या एजुकेशन सिस्टम चलाते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं। देखिए कंटेंट तो सबका एक ही रहना है, अगर ए टू जेड इंग्लिश काउंटिंग है तो सारे देशों में इंग्लिश अल्फाबेट है तो सारे देशों में ए टू जेड ही रहेगा, 1 to 100 इंग्लिश काउंटिंग है तो 1 to 100 ही रहेगी। लेकिन उसके उसकी डिलीवरी कैसे होती है, हम 2+2=4 कहते हैं तो ऐसा नहीं फिनलैंड में 2+2=5 पढ़ाते हैं, वो भी 2+2=4 ही पढ़ाते हैं, पर बच्चे को पढ़ाया कैसे जाए, बच्चे को ग्रोथ में पढ़ाने को ईजी कैसे बनाया जाए, इस पर फिनलैंड में बहुत काम हुआ है। तो हमने हमारे ऑफिसर्स ने हमारे टीचर्स ने हमारे प्रिंसिपल्स ने फिनलैंड का काफ़ी दौरा किया, हमने 100-150 के करीब प्रिंसिपल्स को फिनलैंड भेजा भी सारे सिस्टम को समझने के लिए, और आज बहुत खुशी के साथ मैं कह रहा हूँ कि फिनलैंड अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज़ जापान जैसे देशों में रूस जैसे देशों में हमने लोगों को भेजा, सिंगापुर में भेजा, वहाँ से सीख के बहुत सारी चीज़ों को हम अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा सर एक जानकारी और बता दीजिए, जैसे एजुकेशन सिस्टम की यदि हम दिल्ली की बात करें तो पूरा ही सिस्टम पहले बहुत ज़्यादा खराब था, कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाह रहा था, तो क्या अब दिल्ली वासियों की ये जो भावना थी सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए तो क्या बदल गई है? बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट से निकलवा रहे हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि बहुत हाई एंड स्कूल जो बड़े बड़े सपने बेचते हैं वो अब वहाँ लोग नहीं ले जाना चाहते हैं। अभी भी दिल्ली में 100-200 स्कूल्स हैं जो बहुत हाई एंड स्कूल हैं और वो किसी भी देश में होते हैं, 5% 5-10% प्राइवेट स्कूल होते हैं, और वहाँ बहुत लोग जो शौकिया अपने बच्चों को बहुत महंगी एजुकेशन देना चाहते हैं या कुछ और कारणों से वो देते हैं, वो अमेरिका में भी हैं, यूरोप में भी हैं, जापान में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, सब जगह मिलेंगे आपको। लेकिन 99% 95% 98% एजुकेशन सिस्टम वहाँ गवर्नमेंट का है। अभी हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ज़मीनें नहीं है दिल्ली सरकार के पास में जहाँ हम नए स्कूल बना के चला सकें, पर आई एम श्योर कि एक दिन होगा कि हमारे पास में 40 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह भी होगी और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, उस दिन फिर हम कह सकते हैं। पर आज मैं कहूँगा कि 100-200 स्कूलों को छोड़ के बाकी के पेरेंट्स के मन में ख्वाहिश आने लगी है कि हम अपने बच्चों के पढ़ाने के लिए 4-5 हज़ार रुपये की फीस देते हैं, हर साल कोई ना कोई डोनेशन देना पड़ता है, इतना महंगा महंगा खर्च करते हैं, एक तरफ इतना खर्चा है, दूसरी तरफ में इतनी अच्छी व्यवस्था है कि सरकारी स्कूल सिस्टम फीस भी नहीं है, किताबें भी फ्री हैं, यूनिफॉर्म भी फ्री है, तो क्यों ना खुद ही कर लिया जाए। एक हमारे दर्शक हैं गौरव यदुवंशी, ये जानना चाह रहे हैं कि टीचर्स और बच्चों की सेफ्टी के लिए आपके द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में। देखिए पहले तो हम पढ़ाई के लिए कदम उठा रहे हैं जी, पढ़ाई का माहौल होगा तो टीचर भी सेफ है और बच्चा भी सेफ है, पढ़ाई का माहौल नहीं होगा तो तमाम तरह की उद्दंडता आएगी बच्चे में भी और टीचर के अंदर भी, कुछ हो सकता है बाकी स्टाफ कर रहे हैं, तो मतलब पढ़ाई का माहौल बनेगा तो अपने आप वहाँ से अनसेफ चीज़ें खत्म हो जाएंगी, सारा फोकस पढ़ाई का है जी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि समाज कुछ और कर रहा है और हम कुछ और कर रहे हैं, समाज में भी जो दंडता है, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो खराब चीज़ें हैं, वो समाज में है ही, तो स्कूल कहीं से बाहर से निकल के नहीं आएगा, लेकिन स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ तो बच्चे पढ़ें वहाँ, और टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं पढ़ाएं, ये होने लग रहा है, ये होने लग रहा है तो सेफ्टी है। अच्छा मैंने देखा कि बहुत सारे लोग पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा जुड़े हैं सरकारी विद्यालयों से, आपके द्वारा अभी शुरुआत में एक पहल चलाई गई थी कि यदि नेता हों या अधिकारी हों उनके भी बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ें, तो क्या ऐसी पहल हमने नहीं चलाई जी, हमने इस तरह की कोई पहल नहीं चलाई, और मेरा मानना है कि ये थोड़ा सा वो है, टू मच ऑफ आइडियलिज्म है जी। आप अच्छे सरकारी स्कूल खड़े करो और आप बेस्ट ऑफ बेस्ट सरकारी स्कूल सिस्टम दो, गवर्नमेंट के लोग भी अपने आप लेके आएंगे और प्राइवेट के लोग भी लेके आएंगे। आप स्कूल सिस्टम ठीक नहीं करोगे और नेताओं को अधिकारियों को सरकारी कर्मचारियों को फोर्स करोगे, अब एक IAS अफसर का बेटा है या किसी नेता का बेटा है या किसी जूनियर क्लर्क का बेटा है, बच्ची है उसकी, आप अपने आइडियलिज्म पे उसकी एजुकेशन क्यों खराब करना चाहते हो? आप सरकारी स्कूल सिस्टम को ऐसा कर दो कि प्राइवेट से वो कम्पीट कर सके,
उसके बाद लोग अपने आप पढ़ेंगे, लोगों को पागल थोड़ी हैं लोग कि वो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये की फीस देंगे। अपने आप सिस्टम ठीक हो गया, पहले तो सिस्टम खराब कर दिया, अब कह रहे हो कि एक पूरी नेताओं की और अफसरों की और सबकी एक जनरेशन पूरी की पूरी अपने बच्चों को वहाँ भेजे। अरे सिस्टम ठीक कर दो, कौन भेजना चाहता है प्राइवेट स्कूल में। मैंने देखा था कुछ लोगों ने कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट भी डाली थी कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाने लगे हैं, क्योंकि अब अच्छे हो गए हैं तो हमारे 2-3 विधायकों ने अपने बच्चे वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में कराए हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स में मिलता हूँ उन्होंने अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में रखे हुए हैं, अब धीरे धीरे करा रहे हैं। बहुत समाज का बहुत बड़ा वर्ग है, अभी हमारे स्कूलों में सरकारी स्कूलों में भी जगह नहीं है जी, बहुत ओवरफ्लडेड है। अच्छा, पहले जो जगह खाली रहती थी वो भरी जाने लगी। हमने तो 10,000-8,000 नए कमरे बनवा दिए, 12,000 नए कमरे और बनवा रहे हैं। पहले 40 लाख बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए, उसके बाद फिर हम देश को खड़े होकर कहेंगे, उसके बाद हम नेताओं को भी कहेंगे, उसके बाद हम अफसरों को भी कहेंगे, उसके बाद सबको कहेंगे कि लाइए अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा सर, कुछ बिल्डिंग्स जैसे देखी गई हैं सरकारी स्कूलों की, तो एक एक जगह कुछ पुरानी बिल्डिंग्स हैं, एक जगह नई बिल्डिंग्स जो आपके द्वारा बनवाई गई, तो क्या वो पुराने बिल्डिंग्स हटाए जा रहे हैं क्या? नहीं, कुछ पुराने बिल्डिंग्स खराब हो गए थे उनको तोड़ के नई बनाई गई हैं, और बिल्डिंग बनना तो सतत प्रक्रिया है। पहले हमारे यहाँ कम कमरे होते थे, अब हमने ज़्यादा बनवा दिए, आज से 5-10 साल बाद वो भी टूटेंगे, अभी जो तोड़े जा रहे हैं वो 10 साल पहले बने होंगे। तो बिल्डिंग बनाना एक सतत प्रक्रिया है, पर पहले उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उसकी मेंटेनेंस ठीक नहीं हो रही थी, तो हमने नई बिल्डिंग्स भी बनवाई हैं, नए कमरे भी बनवाए हैं, पुराने कमरे जहाँ ठीक हैं उनको रिनोवेट कराया है, ये भी काम हुए। अच्छा सर, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की यदि बात करें तो प्रत्येक सरकारी स्कूल में जिम की व्यवस्था नहीं है, बहुत जगह आपके द्वारा स्विमिंग पूल भी बनवाई गई, जिम भी लगवाई गई, तो क्या ये सभी स्कूलों में रखा जा रहा है? सारी फैसिलिटीज मैंने कहा ना, सारी स्कूलों में नहीं हो सकती हैं जी, हर स्कूल में स्विमिंग पूल नहीं हो सकता है, कुछ स्कूलों में होगा, हर स्कूल में क्रिकेट ग्राउंड नहीं हो सकता है, कुछ स्कूलों में होगा, हर स्कूल में टेनिस की अकेडमी नहीं हो सकती है, कुछ स्कूलों में होगी, तो उस तरह से है। तो जहाँ जो सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, बच्चा अपनी चॉइस के हिसाब से उस सुविधा वाले स्कूल में जा सकता है, या जो सुविधा उसमें उपलब्ध है उसमें आगे पढ़ाई कर सकता है, उसमें आगे खेल सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। सर, अन्य प्रदेशों की शिक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है, उत्तर प्रदेश की ही हम यह बात करें, बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो क्या इस तरीके से अन्य प्रदेशों ने आपके यहाँ से कुछ सीख ली है, या आपके द्वारा कुछ सुझाव हैं किस तरीके से उस व्यवस्था को चेंज किया जा सकता है? बहुत सारे प्रदेश आते तो हैं, पर उसके बाद क्या कर रहे हैं हम भी फॉलो नहीं करते जी। देखिए, अन्य राज्यों में उस राज्य के लोगों ने उनको चुना है सरकार में, वो डिसाइड करें कि क्या करना चाहते हैं, हमें हमारे राज्य में हमारे लोगों ने चुना है जी, तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं। आज देश के बच्चों को आपके द्वारा कोई संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, बस ये कहना चाहूंगा, पढ़ लिख के मेहनत करिए, अपने माँ बाप के सपने पूरा कीजिए, अपने देश के सपने पूरा कीजिए, और एक अच्छे इंसान बनिए। ह्यूमैनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन से अहंकार मत लाइए, एजुकेशन से ह्यूमैनिटी लेके आइए, ह्यूमैनिटी आएगी तो अपने आप देश भी ठीक होगा, दुनिया भी ठीक होगी। आपने नया पाठ्यक्रम एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? कई तरह के पाठ्यक्रम हमने शुरू किए, हैप्पीनेस का प्रोग्राम शुरू किया है, एंटरप्रेन्योरशिप का किया है। हैप्पीनेस प्रोग्राम में हम लोग बता रहे हैं इमोशनल स्ट्रॉन्ग कैसे बना जा सकता है, बच्चा दुखी ना रहे, छोटी छोटी चीज़ों पे लाइफ में ऊपर नीचे होते रहते हैं, उन चीज़ों को कैसे देखें, कैसे समझें, कोई आइडियलिज्म की थ्योरी नहीं है, इमोशनल थ्योरी है, इमोशनल साइंस की थ्योरी है। वैसी एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम में हम बच्चों को कह रहे हैं कि जीने के 2 तरीके हैं, एक नौकरी करना, एक अपना काम करना रोजगार के लिए। नौकरी करके भी रोजगार चलाया जा सकता है, अपना काम करके भी चलाया जा सकता है। तो अपना काम करने के रोजगार को हम उस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं इसमें, कि अपना काम करके बच्चा जो काम करेगा तो खुद के लिए भी करेगा और दूसरों को भी नौकरी देगा, नौकरी ढूंढेगा तो दूसरे किसी के यहाँ नौकरी करेगा जाके। आजकल छात्र और छात्राएं तनाव में रहते हैं, चाहे वो पाठ्यक्रम की वजह से हो या वर्तमान माहौल को देखते हुए, तो उनका वो तनाव कम हो, क्योंकि आप एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, तो कुछ सुझाव देना चाहेंगे जो छात्र? नहीं, हमने हैप्पीनेस पे कार्यक्रम शुरू किया है जी, और उसमें हैप्पीनेस क्लास में हम सबको माइंडफुल मेडिटेशन कराते हैं। मैं आपके चैनल पे भी लोगों को कहूँगा कि हैप्पीनेस कैरिकुलम को समझें, उसकी बहुत सारी क्लासेज आजकल यूट्यूब पर हैं, उनको समझें और उसको अपने ऊपर अप्लाई करें। अच्छा, मैं सर एक चीज़ देख रहा था, मैंने आपको काफ़ी फॉलो भी किया है, आपके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया है, आपके एजुकेशन के ऊपर भी रिसर्च किया है,
इस इंटरव्यू से पहले मैं बहुत कुछ तलाश भी रहा था। आपने एक शुरुआत की कि कोई भी अभिभावक अपने घर पे बैठा हुआ है और वो अपने बच्चे को यह देखना चाहता है कि वो पढ़ रहा है या क्या पढ़ाई, तो सर वो क्या तरीका है? वो अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो 4-6 महीने और लगेगा उसको इम्प्लीमेंट होने में। धीरे धीरे ये स्थिति आ जाएगी कि सारे स्कूलों में कैमरे होंगे और उन कैमरों में हम उनकी फीड जो है उनके माँ बाप को दे देंगे, तो आप अपने बच्चे के स्कूल में आपके बच्चे के स्कूल के क्लास का पासवर्ड आपके पास होगा, तो आप उसको लाइव देख सकते हैं कि वो बच्चा पढ़ रहा है बैठ के, तो आपको संतुष्टि होगी कि वहाँ बच्चे कहाँ बैठा है, पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, ये सब आपको आइडिया लग जाएगा। जाने से पहले एक सवाल और सर, क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं। जाने से पहले सर, हमारे कार्यक्रम एएनजी न्यूज की दस्तक के बारे में आपके क्या विचार हैं? अच्छा है, आप ऐसे ही जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते रहिए। ये राजनीतिक बेवकूफियाँ, लगड़े झड़ाई, लड़ाई झगड़े, ये सब टीवी चैनलों के लिए छोड़ दीजिए, लोग उनसे दुखी हैं। आपके लिए सुझाव है कि आप जनता के मुद्दे उठाइए, शिक्षा पे बात करिए, स्वास्थ्य पे बात करिए, इस तरह से आगे बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट। तो मनीष जी, आपने अपने कीमती समय में से हमारे कार्यक्रम एएनजी न्यूज की दस्तक के लिए वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ जाने माने राजनीतिज्ञ, आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने एएनजी न्यूज की दस्तक कार्यक्रम में बेबाकी से आवाम के सवालों का सामना किया। भविष्य में कभी किसी मोड़ पर फिर देंगे दस्तक और पूछेंगे आपसे सवाल। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन दर्शकों के प्रश्न हम समयाभाव के कारण नहीं ले सके, उन सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले मेरा सभी दर्शकों से एक अनुरोध है कि आप सभी को हमारा यह खास कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमें लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।